महाविकास आघाड़ी यानी कि एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और वंचित बहुजन आघाड़ी, साथ ही कांग्रेस पार्टी, ये सभी कोई अपनी सीट शेयरिंग पूरी करे या न करे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने कार्यक्रम के अनुसार लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। शरद पवार ने बिना महाविकास आघाड़ी की इजाजत के बारामती से अपनी बेटी का उम्मीदवार होना डिक्लेयर कर दिया और ठीक इसी तरह उद्धव ठाकरे ने मुंबई में वायव्य सीट से और अब ईशान्य सीट से भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वायव्य सीट से उन्होंने अमोल कीर्तिकर को तो ईशान्य मुंबई की सीट से संजय दीना पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जाहिर सी बात है, इससे कांग्रेस पार्टी नाराज होगी।